हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, यूपी लेखपाल और यूपी कांस्टेबल की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे ये इच्छा रखते हैं कि हमारे शरीर पे वर्दी सजे या फिर एकदम बैठ के पैंट डुलाने का मौका मिले, मेरे दोस्तों आप सभी लोगों को ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में हम आपको चतुर्भुज पढ़ाने वाले हैं, यानी कि आपको हमने क्या क्या पढ़ा दिया आप खुद ही सोच सकते हैं। हमने आपको बारंबारता पढ़ा दिया, हमने आपको त्रिभुज पढ़ा दिया, हमने आपको अब स्टार्ट किया चतुर्भुज पढ़ाना। यानी कि चतुर्भुज में आपको जो जो चीजें पढ़नी है, यानी चतुर्भुज का मतलब क्वाड्रिलेटरल है ना भाई, चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज, ठीक है। और ठंडी वंडी है तो थोड़ा सा स्पेलिंग वसेलिंग मत देखना, ठीक है भाई। देखिए देखिए, हमें यहाँ पे कई चीजें पढ़नी है। पहले भाई समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज, चतुर्भुज, ठीक है। फिर हमें पढ़ना वर्ग, फिर हमें पढ़ना आयत, फिर क्या पढ़ना हमें समलंब, फिर हमें क्या पढ़ना है समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। तो इतनी सारी चीजें आपको पढ़नी है। और इसके बाद जो आपके मन में आ रहा है कि साइक्लिक है ना, क्वाड्रिलेटरल वो क्या होता है, तो वो चीजें आप सर्कल में पढ़ेंगे, वृत्त में पढ़ेंगे, तो वो भी आपके सिलेबस का हिस्सा है, तो वो सारी चीजें भी होंगी। लेकिन सबसे पहले क्या हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे समचतुर्भुज। अब ये समचतुर्भुज होता क्या है, समचतुर्भुज की एक प्रॉपर्टी होती है, बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं समचतुर्भुज बनाने का प्रयास करता हूँ, आप हमारा साथ दीजिए थोड़ा सा। देखिए ये है मेरे भाइयों समचतुर्भुज का एक खाका जो हम बनाने जा रहे हैं, ठीक। बनाने का प्रयास कर रहा हूं, आप लोग समझते रहिएगा बस, कहे कि आप ये बात जानते हैं कि हर चीज इतनी परफेक्ट नहीं बनाई जा सकती, ठीक है। बस मैं कह रहा हूं तो आप समझ लीजिएगा भाई, ये क्वाड्रिलेटरल तो है, ये तो बिल्कुल बात क्लियर है। और ये समचतुर्भुज, तो समचतुर्भुज क्यों है, आखिर इसकी क्या प्रॉपर्टी है, इसकी क्या कहानी है सर जी, कि ये समचतुर्भुज कहलाता है। तो मेरे भाई समचतुर्भुज का मतलब नाम से ही क्लियर है कि सम चतुर्भुज मतलब ऐसी भुजा, ऐसी भुजाओं से बना चतुर्भुज जिसकी सारी भुजाएं सम हो, है ना भाई। सम का मतलब बराबर हो, तो सारी भुजाएं बराबर, यानी कि अगर मान लो इसकी वैल्यू अगर ए मैं रख दूं तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, क्लियर। एक तो समचतुर्भुज की ये सबसे अच्छी क्वालिटी होती है। आप कहेंगे सर जी और क्या क्वालिटी होती है, तो मेरे भाई और एक क्वालिटी होती है कि इसकी जो विकर्ण होते हैं ना, जो डायगोनल्स होते हैं, ठीक, विकर्ण जिसको हम डायगोनल्स कहते हैं, सर जी ये क्या करते हैं भाई, ये जो है ना ये 90-90 डिग्री का एंगल बनाते हैं हर जगह, 90-90 डिग्री का एंगल हर जगह बनाते हैं, ये 90, ये 90 और ये भी 90, यानी कि 90-90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, क्लियर है भाई। सर जी और क्या करते हैं, और मेरे भाई एक काम और करते हैं, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं, वो भी जरा बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही मन लगा के सुनने का प्रयास करिएगा। और ये दोनों आपस में समद्विभाजक करते हैं, जैसे ये बराबर इसके और ये बराबर इसके, समद्विभाजक मतलब ये है मेरे दोस्तों, मतलब ये है कि अगर अगर मेरे दोस्तों अगर कौन सा पेन ले लें, आइए ये वाला पेन लेते हैं, ये वाला पेन ले, ये वाला पेन ले, ये वाला पेन, चलो आ जाओ। अगर मान लीजिए ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, और ये वाई है मतलब यहां से लेके यहां तक की दूरी, तो ये भी वाई होगा। क्या आप मेरी बात समझ पाए मेरे भाई, ये है डायगोनल एसी, डायगोनल एसी, तो मैं कहूं एसी की वैल्यू क्या होगी, सर जी ए की वैल्यू एक्स प्लस एक्स, इसका मतलब 2x, और डीबी की वैल्यू क्या होगी, या बीडी डीबी जो भी कहो, सर जी होगी 2y, समझ रहे हैं भाई, ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, आप इसको डायगोनल को, डायगोनल को डी को डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्या कर सकते हो भाई, डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, दैट मीन्स D1 ये है और D2 ये है। क्या आपको ये बात क्लियर हुई, कोई समस्या किसी को नहीं, तो याद रखिए मेरे दोस्तों ये समकोण पर काटते हैं और ये समद्विभाजित करते हैं, यानी कि ये भी समद्विभाजित करेंगे, साथ साथ आप ये मत सोचिएगा ये 90 डिग्री बनाते हैं, ये 90 डिग्री नहीं बनाते हैं, ठीक है, क्लियर है। साथ साथ एक कहानी और होती है कि भाई इसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर होती है, तभी तो समचतुर्भुज, क्लियर है, ये पूरी कहानी क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें मुझे तो नहीं लगता कोई समस्या होनी चाहिए। अब मेरे दोस्तों अब जो मेन चीज आती है
वो आती है सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल की। तो याद रखिए सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये क्या आता है भाई? सम चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है ना, होता है हाफ मतलब एक बटा दो डी वन इंटू डी टू, यानी दोनों डायगोनलों के दोनों विकर्णों के गुणनफल का आधा, ये होता है सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्लियर है? क्षेत्रफल ये है तो सर जी परिमाप क्या होगा भाई? परिमाप तो बाहरी माप होता है, परिमाप मतलब बाहरी माप, यानी सारी भुजाएं ए ए ए और ए, चारों भुजाएं चारों ए है, चारों को जोड़ेंगे तो मेरे भाई आएगा फोर ए, गॉट इट? कितना आएगा? फोर ए। क्लियर है? तो क्षेत्रफल और परिमाप यही चीजें पूछेंगी, साथ साथ ट्रिपलेट जो हमने पढ़ाया था यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। क्लियर है? तो आप सभी लोग अब सवालों को सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि आपके पास उपलब्ध है अब सारी चीजें। चलो भाई, कह रहा है कि किसी चतुर्भुज की भुजाएं, ये तो चतुर्भुज की कहानी है, कह रहा है किसी चलो ये सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, बट सम चतुर्भुज पढ़ना को, कह रहा है किसी चतुर्भुज की भुजाएं क्या है? तीन चार पांच और छह के अनुपात में, ठीक, तीन चार पांच और छह के अनुपात में। कह रहा है इसका परिमाप है 72, तो परिमाप का मतलब क्या होता है? बाहरी माप, मान लिया मेरे भाई ये चतुर्भुज है, ये तीन है, ये चार है, ये पांच है, ये छह है, अभी हमने कहा परिमाप मतलब बाहरी माप, यानी कि छह चार दस पांच तीन आठ, यानी 18 यूनिट क्या है? परिमाप है। कह रहा है परिमाप 18 नहीं 72 है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी जाए? 18 चौके 72, एक यूनिट की वैल्यू जाती 4, एक यूनिट की वैल्यू 4 हो जाती। तो आपसे कह रहा सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा की लंबाई ज्ञात क्या, मतलब लंबाई क्या होगी? तो सबसे बड़ी भुजा देखो भाई, जिसका यूनिट बड़ा वो भुजा सबसे बड़ी है, तो यूनिट किसका बड़ा? 6। तो भैया इसी 6 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो 6 चौका हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, तो सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाएगी? 24 सेंटीमीटर। क्लियर है? ये सवाल था तो हमने बता दिया, लेकिन पढ़ना है आपको अब सम चतुर्भुज के बारे में, सम चतुर्भुज का ही सवाल आपको लगाना है। आपसे कह रहा है यदि किसी सम चतुर्भुज, देखो भाई मैंने आपसे कहा था सम चतुर्भुज क्या होता है? सर जी सम चतुर्भुज वही होता है जिसके सारी भुजा आपस में बराबर होती है। आगे कह रहा है डायगोनल, मेरे भाई डायगोनल आप जानते हैं कि ये 90 डिग्री पे काटता है। क्लियर है? आओ, कह रहा है कि उसके विकर्ण की माप क्या है? 10 और 16 है। मेरे भाई ये वाला अगर 10 रहेगा तो ये 5 और ये 5, क्योंकि हमने बताया था ये टोटल 10 है तो आधा आधा बांटेंगे। ऐसे ही अगर ये 16 है तो ये 8 होगा, ये 8 होगा। क्लियर है सभी को? चलिए, कह रहा तो वर्ग सेंटीमीटर में, तो वर्ग सेंटीमीटर में उसका क्षेत्रफल क्या होगा? हमें अब कुछ करने की जरूरत नहीं थी, हमें पता है क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। सर जी क्षेत्रफल बराबर होता है हाफ डी वन डी टू, यानी कि 10 और 16, 2 से काट दिया 5 हो गया, तो 16 बच्चे 80, तो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया मेरे भाई इसका? 80 सेंटीमीटर, 16 बच्चे 80, ठीक तो है, 16 बच्चे 80, तो 80 सेंटीमीटर क्या होगा इसका? इसका क्षेत्रफल होगा, ठीक है, इसको जरा थोड़ा सा देखिए, 80 ऑप्शन में है नहीं लेकिन फिर भी आंसर आपका 80 है, ठीक है, तो एक ऑप्शन ऐसे बना लीजिएगा 80 आपका ऑप्शन, ये सही है, सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आपका आंसर है, ठीक है। चल अगला सवाल आपसे कह रहा है यदि एक सम चतुर्भुज के विकर्ण 8 और 6 हो तो उसकी भुजा का वर्ग कितना होगा? याद रखिए आपको भुजा का वर्ग पूछ रहा है, तो यहां पे आपकी ट्रिपलेट की भूमिका बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जो कि हमने आपको मतलब ट्रायंगल जब मैं पढ़ा रहा था पहले लेक्चर मैंने आपको कराया था कि ट्रिपलेट कैसे करना है। तो एक बात तो पहले आप सम चतुर्भुज बनाएंगे, जिस मेरे मित्र को ये बात पता है जिसने पढ़ा हुआ है वो जानता है ये कि सर जी अगर ये टोटल 8 है तो ये 4 होगा, ये 4 होगा, ये अगर टोटल 6 है तो ये 3 होगा, ये 3 होगा, है ना भाई? क्यों? क्योंकि आधा आधा काटते हैं, और ये बनाएगा 90 डिग्री, तो अगर ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये होगा कर्ण। अब कर्ण में मतलब क्या होता है? 3, 4 और 5 बनाते हैं ट्रिपलेट, क्या बनाते हैं? 5 ट्रिपलेट बनाते हैं। आपसे कोई पूछ रहा है कि यही जो भुजा है ना इसी का स्क्वायर क्या होगा, वर्ग क्या होगा, तो 5 25 25 होता है। क्लियर है मेरे भाई? तो भुजा का वर्ग क्या हो गया? 25, ठीक। तो देखा आपने भाई, कोई चीज फालतू नहीं पढ़ाई जाती है, हर चीज का कहीं ना कहीं रिलेशन है। अब ट्रिपलेट मैंने क्यों पढ़ाया था? क्योंकि त्रिभुज पढ़ा रहा था, फिर चतुर्भुज आना था, ये सारी चीज आनी थी, तो इसलिए मैंने ट्रिपलेट सबसे पहले पढ़ा दिया था। इसके बाद ये सारी कहानी होगी आगे। अब चलो अगला कह रहा है यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण क्या है 24 और 32 है तो उस चतुर्भुज का परिमाप ज्ञात करिए। भाई परिमाप आपको ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं है, परिमाप तभी निकलेगा आप जानते हैं जब हमें भुजा पता हो। तो यहां भी ट्रिपलेट की भूमिका आएगी। देखो जी आप ये बात जानते हो, अगर
दोनों 24 है तो ये 12 और ये भी 12, दोनों अगर कितना मेरे भाई 32 है तो ये 16 और ये भी 16। क्लियर है सभी को? क्लियर है, चल बहुत बढ़िया। अब आप ये बात जानते हैं कि अगर ये 12 है ये 16 है तो बताओ ये क्या होगा? सर जी होगा 20। कैसे? अरे भैया 20 12 16 20 क्या बनाते हैं ट्रिपलेट? आप कहेंगे हमें समझ नहीं आया, मैं कहता हूं सबका रेशियो ले लो समझ में आ जाएगा। तो 12 16 और 20 इनका जब रेशियो लेंगे, चार से काटेंगे, चार तीन 12, चार चौक 16, चार पंजे 20, क्या 3 4 5 ट्रिपलेट बनाते हैं? तो आप कहेंगे सर जी बिल्कुल बनाते हैं, हमें पता है। तो बनाते हैं तो मैंने आपसे कहा था कि अब इनके मल्टीपल भी ट्रिपलेट बनाएंगे। तो देखो ये चौथा मल्टीपल है कि नहीं सभी का, तो मल्टीपल भी क्या बनाएंगे? ट्रिपलेट बनाएंगे। दैट मींस मेरे भाई 20 क्या है? इसका एक ट्रिपलेट है जो इस सम चतुर्भुज की भुजा है। यानी ये 20 है तो ये भी 20 है, और ये 20 तो ये भी 20, और ये 20 तो ये भी 20। आप जानते हैं परिमाप क्या होता है? परिमाप का फॉर्मूला होता है बाहरी माप। और आप ये बात जानते हैं कि जब सारी भुजाएं बराबर हैं तो भैया 4 है, यानी 20 चौके 80, तो 80 सेंटीमीटर क्या होगा इसका परिमाप? याद रखिए कई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया होगा तो वो आंसर नहीं होगा, क्योंकि परिमाप जो होता है वो हमेशा सेंटीमीटर में होता है। ठीक है, क्लियर। अगला सवाल आपसे कह रहा है, कह रहे यदि एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात जो है, भाई कोणों का अनुपात कह रहा है, चतुर्भुज के कोणों का अनुपात, चलो ये टॉपिक से थोड़ा सा हट गया, कह रहा है कि कोणों का अनुपात आपको दिया हुआ है। तो भाई साहब अगर कोणों का अनुपात आपको दिया हुआ है, कह रहा है 2 है 7 है 2 है 7 है, ये चीज है भाई, ये कहानी है, याद रखिए। आपसे कह रहा है ये 2 है ये 7 है, फिर ये 2 है ये 7 है, यानी ये कोण बराबर, ध्यान से सुनिए, ये कोण बराबर इस कोण के है और ये कोण बराबर इस कोण के। क्यों? कह रहा है ये 2 है ये 7 है, ये 2 है ये 7 है। बात समझे कि नहीं समझे? बहुत अच्छे। अब आप ये कह सकते हैं मेरे दोस्तों, आप ये कह सकते हैं कि मेरे भाई ये कोण बराबर इसके, ये कोण बराबर इसके, और ये होता है सम चतुर्भुज की ही कहानी, समझ रहे हैं? तो हमने आपको एक चीज यहां पे ऐड नहीं कराया था, उसको ऐड अप कर लीजिएगा, ठीक है? वो मैं बताने ही वाला था बट मेरे दिमाग से उतर गया, ठीक है? कि भैया ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों सम चतुर्भुज में बराबर होते हैं, ये एंगल और ये एंगल दोनों सम चतुर्भुज में बराबर होते हैं, मतलब ये एंगल बराबर इसके, ये एंगल बराबर इसके, मतलब अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, अगर ये अल्फा होगा तो भैया ये भी अल्फा होगा, ये भी सम चतुर्भुज की कहानी, ठीक है? और ये सम चतुर्भुज के साथ होता है, बाकी और किसी के साथ, क्लियर है? अगला आपसे कह रहा है कि एक सम चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्या है? 8 और 6 है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आप ये कह सकते हैं 8 6 10। अरे भाई अगर आप हमारे चीते हैं तो आपको तो पता ही है कि भाई साहब अगर ये 8 है तो ये 4 होगा, अगर ये 6 है तो ये 3 होगा, तो ये 5 होगा, तो 5 है तो 5 5 5 हुआ, इसका मतलब क्षेत्रफल क्या होगा? तो भैया क्षेत्रफल उत्फल की बात छोड़ो, आप जानते हो कि आपको पता है क्षेत्रफल हाफ d1 d2, तो 8 × 6 तो 6 × 8 = 48 का आधा भैया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आपका क्षेत्रफल, क्या हो गया? क्षेत्रफल, समझ रहे बात को, है ना? अगला सवाल कह रहा है एक सम चतुर्भुज की एक भुजा 10 सेंटीमीटर है और एक विकर्ण क्या है? चलिए ये प्यारा सवाल है, बहुत ही गजब सवाल है, आपसे कह रहा है क्षेत्रफल बताइए। तो क्षेत्रफल बताने के लिए आपको पता है सर जी, आपको पता होना चाहिए डायगोनल, यानी कि दोनों, तो भैया एक डायगोनल तो हमें पता है, कह रहा है एक भुजा 10 है, चलिए भाई ये 10 है, कह रहा है एक 12 है, भाई 12 तो ये 6 तो ये भी 6, तो कह रहा है ये भुजा बताओ कितनी होगी। तो आप ये बात जानते हैं सर जी 6 8 10 क्या बनाते हैं? ट्रिपलेट बनाते हैं। मैंने कहा था ना ट्रिपलेट की भूमिका यहाँ बढ़ जाएगी, तो पढ़ना ही पड़ेगा। ये 8 तो भैया ये भी 8, इसका मतलब दोनों 16 है, ये 12 ये 16 है, इसका मतलब क्षेत्रफल क्या होगा? सर जी क्षेत्रफल हमें पता है हाफ d1, तो d1 है भैया 8 8 16, क्या है मित्र 8 8 16, और d2 कितना 6 6 12, तो यहां से काट दो भैया, तो काटेंगे तो आप जानते हैं 8 आएगा, 12 8 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्षेत्रफल क्या कर 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। चल नेक्स्ट, कह रहा है एक चतुर्भुज के विकर्ण क्रम से 32 24 है, इस चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा? भाई 32 24 कह रहा है, सबसे पहले आप क्या ले लो भाई, सबसे पहले आप एक बना लो भाई, अभी आप अगर आप कर सकते हैं तो कर सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये 16 है तो ये भी 16 है, ये 12 है तो ये भी 12 है, तो मेरे भाई ये 20 होगा तो
आप जानते हैं ट्रिपलेट बनाएगा तभी तो 20 होगा। तो अभी तो ऐसा करा है 20 होके 80, है ना भाई, 20 होके 80 क्लियर ना। ये देखो ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20, तो परिमाप क्या होगा, चारों का जोड़ यानी 20 होके 80। तो ऐसा सवाल कराया था अभी। चलो नेक्स्ट कह रहा है, एक सम चतुर्भुज के विकर्ण क्या है, 24 और 10 है। कह रहा है इसका परिमाप क्या होगा, तो परिमाप निकालने से पहले आपको भुजा पता होनी चाहिए। तो भैया देखो ये 24 है, तो 24 है इसका मतलब ये 12 होगा, ये मेरे भाई 5 होगा, तो 5, 12 और 13 ट्रिपलेट बनाते हैं, बनाते नहीं बनाते, अरे जब ये 90 डिग्री है तो ये ट्रिपलेट में आएंगे और क्या। तो देखो 5, 12, 13 क्या बनाते हैं, ट्रिपलेट, इसका मतलब ये भी 13, ये भी 13, ये भी 13, तो 13 चौके, तो भैया 13 चौके होता है 52, यानी कि परिमाप जो होगा, परिमाप ठीक है मैं लिख भी दे रहा हूं, परिमाप बराबर होता है 4a, 4 ऐसे ही रहेगा, a की वैल्यू है 13, तो 13 चौके। तो अगर आप सवाल करेंगे तो ऐसे कर भी पाएंगे। नेक्स्ट अगला कह रहा है एक सम चतुर्भुज के परिमाप क्या है, मेरे भाई 40 सेंटीमीटर है, यदि दोनों विकर्णों में से एक की लंबाई क्या है 12 है, दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी, आपसे ये पूछ रहा है। तो मेरे दोस्तों दूसरे विकर्ण की लंबाई हम देखिए कैसे निकालते हैं, आप जानते हैं कि हमें निकालने का तरीका सर जी आपने बता दिया है कि परिमाप 40 है तो हर भुजा 10-10 है, परिमाप 40 है तो हर भुजा 10-10 है, क्लियर है ना। चलिए अब आप ये जानते हैं कि एक विकर्ण क्या है 12, तो ये 6, ये भी 6, भैया 6, 8, 10 क्या बनाता है, 6, 8, 10 क्या बनाता है, ट्रिपलेट, यानी इसकी लंबाई क्या होगी 8 होगी, ये 8 तो भाई ये भी 8, अब ये वाला 12 था तो ये वाला कितना होगा सर जी 16 सेंटीमीटर, समझ गए बात। चलिए अगला नेक्स्ट कह रहा किसी सम चतुर्भुज का परिमाप क्या है, मेरे भाई 40 है, कह रहा उसकी ऊंचाई क्या है, उसकी ऊंचाई है 5, ऊंचाई है मेरे भाई 5, तो ऊंचाई 5 नहीं, ऊंचाई आप यहां पे एक करेक्शन कर लीजिएगा कि मेरे भाई ऊंचाई जो यहां पे होगी 8, ठीक है, ऊंचाई क्या होगी 8, वो वही मेरे भाई आपसे वो एक विकर्ण का जो ऊंचाई आपसे कह रहा है, ऊंचाई कौन सी है मैं बताता हूं अभी देखो, वो कह रहा था ये वाली, ये जो ऊंचाई है ना, ये ऊंचाई की बात कर रहा था, तो ये कह रहा है 8 है, तो ये 8 तो भैया ये भी 8 होगी और ये 10 होगी, आप जानते क्यों, क्योंकि परिमाप 40 था, तो ये 10, तो ये 10 तो भैया ये 6 होगी, 6 कितना हो जाएगा 12, तो आप ये बात जानते हैं कि अब मेरा परिमाप जो होगा, मेरा जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा सर जी, क्षेत्रफल मेरा क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल होगा आपका, आप अच्छी तरह जानते हैं 1/2, 6 × 8, तो भैया 2 से काटेंगे यहां आ जाएगा कितना 3, तो 8 × 3 = 24, तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये आपका क्षेत्रफल है। चलिए अगला सवाल है, ये आज का लास्ट सवाल है, कह रहा है आपसे किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है, 150 वर्ग सेंटीमीटर है, उसके एक विकर्ण की लंबाई क्या है 10 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई बतानी है आपको, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई, कह रहा क्षेत्रफल बाबू इतना है, तो याद रखिए अगर क्षेत्रफल इतना है तो आप ये बात जानते हैं क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 150 बराबर ½ d1 और d2, यही तो होता है, हाफ का मतलब यह हो जाएगा 300 और d1 को इधर कर लो तो भैया ये हो जाएगा 10, ठीक है, तो d2 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो ये तो गया, तो d2 की वैल्यू क्या होगी सर जी, d2 की वैल्यू होगी 30 सेंटीमीटर, d2 की वैल्यू क्या होगी 30 सेंटीमीटर, तो यानी दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी होगी सर जी 30 सेंटीमीटर, क्लियर है। तो यहां आप देख सकते हो सम चतुर्भुज से इससे ज्यादा कुछ पूछेगा नहीं, मतलब ये बहुत है आपके लिए, ठीक है, या फिर अगर जरूरत मुझे महसूस होगी तो मैं एक आध लेक्चर एक्सप्लोर दे दूंगा, यानी कि एक आध वीडियो आपको और मिल जाएगी सम चतुर्भुज पे, बाकी आप आगे चीजें बहुत है चतुर्भुज में, बहुत सारी चीजें आप जानते हैं, बहुत सारी चीजें पढ़नी है। अच्छा याद रखिए ये आप पढ़ रहे हैं सिर्फ मेंसुरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी आपको एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ना पड़ेगा, तो वो चीजें पहले मेंसुरेशन पढ़ लीजिए फिर एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िएगा, ठीक है। तो मेरे दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए, फैलाइए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मेरे दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।